डेवलप फुली सो इट मीन्स कि हमें न तो हमें फिक्स टाइम टेबल रखना है न तो हमें फिक्सड टेक्स्ट बुक रखनी है फिर उसके बाद ज्यादा से ज़्यादा अगर रखना है वो प्लेज और सेल्फ एक्टिविटीज रखनी है ना इस सिस्टम में इन्होंने कुछ स्पेशल अपनी एक क्रिएटिविटी दी थी जिनको ये मतलब टेक्निक्स कहते थे टीचिंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इन किंडर गार्डन सिस्टम हम ये आ, देखते हैं ये क्या टेक्निक्स थी टेक्निक्स of teaching in kinder garden techniques kon kon se inhone introduce ki jo hame honi chahiye kindergarten system mein sabse pehle inhone jo mention kiya there should be the system of uh, teaching through songs पहला एक system होना चाहिए अगर एक teacher पढ़ा रही है तो वो थ्रू सॉन्ग्स पढ़ानी चाहिए यानी पहला जो होना चाहिए थ्रू सॉन्ग्स जो भी वो पढ़ाए क्योंकि सॉन्ग जो एक ऐसा आप देखिए लोरी गाए हम बच्चे को राइम सुनाए दैट फैसनेट्स मोर अ चाइल्ड देन जो हम उसको सीधे पढ़ाएंगे सो so, सॉन्ग्स जो है ज़्यादा फैसिनेट करते हैं एक बच्चे को सो so, हमें क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज्यादा हमें सॉन्ग्स के थ्रू उनको पढ़ाना चाहिए लाइक like, हम यूजली देखते हैं क्लास में एक टीचर गंडर गार्टन क्लास में एक टीचर पढ़ाती रहती है अगर उसको सिंपली ए टू जी उनको अल्फ़ाबेट्स का कंसेप्ट देना होता है तो वो उनको थ्रू सॉन्ग्स देती है लाइक like, आपने भी सुना होगा जैसे वो गाते E, like से ज्यादाइज जादस कर सकता है एक बच्चा क्योंकि उसके लिए एक सॉन्ग है लेकिन थ्रू सॉन्ग्स ही कैन लर्न मोर एंड मोर एल्फाबेट सोवेस यही बात है कि हमारा पहला जो टेक्निक होना चाहिए इन टू टीच एट किंडर गार्डन सिस्टम या एट किंडर गार्डन लेवल तो वो होना चाहिए थ्रू सॉन्ग्स Then he introduces the most important technique of teaching in kindergarten system that is teaching through gifts. This is the most and main contribution of most important main important uh, uh, contribution of tribal. Teaching through teaching through gifts. ये गिफ्ट सिस्टम इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया और ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने टोटल जो गिफ्ट्स दिए हैं वो इन्होंने दिए हैं सात इन्होंने कहा है इन गिफ्ट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो आप एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हो तो सबसे पहला गिफ्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कहा एक पहला गिफ्ट रखिए जहाँ पे एक आप एक बॉक्स रखेंगे एक बॉक्स में सिक्स बॉल्स रखे डिफरेंट कलर्स के कोई रेड रखेंगे कोई ब्लू रखेंगे येलो रखेंगे ऑरेंज रखेंगे ग्रीन रखेंगे टोटल हमें रखनी है सिक्स बॉल्स हमें क्यों रखनी है फिर हमें एक बच्चे को देना है ये बॉक्स और उसको बोलना है घुमाने के लिए चाहे वो उसको गोल घुमाए चाहे वो इधर उधर घुमाए ऊपर नीचे करे हमारा क्या पर्पज है एक बच्चे को हम देंगे एक गिफ्ट जिसमें एक बॉक्स होगा और बॉक्स में छह बॉल्स होंगे मेन पर्पज हमारा ये है और मेन पर्पज इनका भी ये था ट्राइबल का भी ये था कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए पे बच्चे बच्चे को एक बच्चे के आइडियाज़ डेवलप करे वो किस किस के रिलेटेड आइडियाज़ डेवलप करना सबसे पहला कलर कॉन्सेप्ट देना यानी जब आपने अलग अलग किस्मों के बॉल्स रखे और वैसे ही बात है उसको रेड कलर का कंसेप्ट आएगा ब्लू का कंसेप्ट आएगा ग्रीन का यानी जितने कलर्स उसमें होंगे बॉल्स के उन सब का कंसेप्ट आएगा फिर उसके बाद बॉल्स का मटीरियल क्या है हार्ड है सॉफ्ट है उसका उनका कंसेप्ट आ जाएगा वुडन है रबर है क्या है तो मटेरियल का भी कंसेप्ट आएगा वेन दे टच द बॉल उसके बाद जो मोशन कर रहा है बॉल जो घूम रहे हैं अंदर उसका कन्सेप्ट आएगा कि ये किस तरह से घूम रहे हैं अंदर क्योंकि हर एक चीज का हर एक जो मटेरियल है सिमिलर वे में मोशन नहीं करता है अगर हम किसी ट्रायंगुलर आइटम को रखेंगे नीचे वो मोमेंट दूसरे एंगल से करेगा बॉल को रखेंगे वो सर्कल शेप में मूवमेंट करेगा सो वो कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा जब ऊपर से नीचे तक बॉल आएगी नीचे से वहां तक जाएगी तो उनका उससे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड लास्टली सबसे मेन अहम जो है इस गिफ्ट का उनको देना मस्क्युलर सेंसिबिलिटी उनसे उनका चेक करना यानी जो उन्होंने सेंस ऑफ टच यानी जो उन्होंने पहले ही चेक किया हार्ड है सॉफ्ट है मटेरियल क्या है टच करके जो उनको एक फील आया सो so उससे उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया अबाउट द सेंस ऑफ टच सो उनको एक वो फीलिंग आई कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टच होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट गिफ्ट देन ही इंट्रोड्यूस देंकेंड गिफ्ट इन सेकेंड गिफ्ट उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए हमें तीन चीज़ें लानी है तीन चीजें लानी है जिसमें एक होगा, एक सफ़ेयर होगा, होगा क्यूब और एक सिलेंडर होगा तीनों जो है हार्डवुड की बनी हुई होंगी तीन अलग अलग चीजें तीन शेप्स की अलग अलग हमने लाई तो ये एक बॉक्स में रखी और दिए एक बच्चे को क्या कंसेप्ट है एक बच्चे को हमने ये गिफ्ट दिया इससे ये कंसेप्ट है कि उसको पता चल सके स्टेबिलिटी ऑफ द क्यूब एंड मोबिलिटी ऑफ द सफेयर यानी हम अगर देखेंगे सफेयर का अलग मोशन होता है और क्यूब की स्टेबिलिटी अलग होती है क्यूब को अगर नीचे रहेंगे वो स्टेबल रहेगा एक ही जगह वो मूव नहीं करेगा लेकिन अगर हम उसी उसी के साथ डालेंगे एक सफेरिकल शेप वाले आइटम को तो वो थोड़ा मूव करेगा यानी उसको कन्सेप्ट आ जाएगा स्टेबिलिटी और मोबिलिटी के कंसेप्ट का कौन सी आइटम मूव करती है और किस बेसिस पे मूव करती है और कौन सी स्टेबल रहती है और क्यों रहती है सो इस चीज का कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाएगा देन ही इंट्रोड्यूस थर्ड गिफ्ट जिसमें एक बड़ा सा वुडन क्यूब लाना है, एक बड़ा सा क्यूब देना है, लेकिन जिसमें हमने करने है, एट में, में। मतलब एक बड़े क्यूब को को करना आपको इससे क्या फायदा आएगा? जब बच्चा इसके साथ खेलेगा, तो वो अलग-अलग जुड़ा हुआ देखकर देखिएगा किस तरह से ये बड़ा पार्ट बन गया है और उससे वो देखिएगा कि हम कितनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों को जोड़कर यानी इससे उनका कंस्ट्रक्टिव माइंड डेवलप हो जाएगा ये फोर्थ गिफ्ट जो है इसमें इन्होंने कहा एक बड़ा सा क्यूब लाइए अगेन जिसमें एट अलग अलग टाइप्स के प्रिजम्स रखिए तो उनसे क्या मतलब मेनली है लेकिन वो जुड़े हुए हैं नहीं होना चाहिए बट हम उनको जोड़कर कोई ना कोई नया कंस्ट्रक्ट पैटर्न कर सकते हैं सो so इससे मेनली हेल्प हो जाएगी एक चाइल्ड को टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट बिल्डिंग पैटर्न्स उससे उसमें क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है जब वो अलग अलग पैटर्न बनाएगा जैसे आप देखते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स कितना हेल्प करते हैं एक बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप करने में सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प अ चाइल्ड टू डेवलप और टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पैटर्न देन ही इंट्रोड्यूसड फिफ्थ गिफ्ट फिफ्थ गिफ्ट में इन्होंने कहा है कि एक बड़ा सा क्यूब लाइए बट यहाँ पे आपको ट्वेंटी सेवन स्मॉल क्यूब्स इसमें रखने हैं जब चाइल्ड इन सेवन ट्वेंटी सेवन को ज्वाइन करेगा तो उसको उससे पता चलेगा नंबर्स के बारे में यानी एक के बाद एक एक के बाद पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा ट्वेंटी सेवन तक वो जब एक दूसरे को जोड़ेगा तो एक कंसेप्ट आएगा उसको नंबरिंग का जो कि इससे पहले उसको नहीं था सो दिस गिफ्ट कैन हेल्प हिम टू नो अबाउट द नंबर्स सो उसके बाद उन्होंने सिक्स गिफ्ट इंट्रोड्यूस किया जिन जिसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा एक बच्चे को दे दीजिए आप क्यूबिकल वुडन फॉर्म में एक बड़ा सा बॉक्स uh, जिसमें एटीन फुल बॉक्सेस होंगे और नाइन आई मीन टू से एटीन लार्ज बॉक्सेस होंगे और नाइन स्मॉल बॉक्सेस होंगे क्यों बड़े और छोटे रखे इन्होंने एटीन रखे बड़े और नाइन रखे छोटे सो दैट कि बच्चा जो है बड़े और छोटे को ऐड करके उसका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आए यानी उसको लार्ज और स्मॉल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बड़ा भी कोई चीज होता है और छोटा भी कोई चीज़ होता होती है यानी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों के कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाएंगे यानी इन शॉर्ट वी कैन से ही कैन लर्न अबाउट द मैथमेटिक्स थ्रू दिस गिफ्ट यानी गिफ्ट फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। देन ही इंट्रोड्यूस्ड सेवेंथ गिफ्ट इस सेवेंथ गिफ्ट के हिसाब से इन्होंने क्या किया इन्होंने ही कंपोज्ड टू वोडन स्क्वायर्स। और एक ट्रैंगुलर स्मॉल बोर्ड लाया इन्होंने अलग अलग कलर्स के इस हिसाब से इन्होंने इनको जोड़कर यानी शेप एक तो ट्रैंगर दी एक तो स्क्वायर वाली दी और बोर्ड्स की शेप में लाया सो so दैट के बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स का कंसेप्ट मिल सके यानी एक बच्चा जो है ही कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री यानी दुनिया में अलग अलग शेप्स भी होते हैं कोई ट्रेंगुलर फॉर्म में होता है कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है कोई स्क्वायर की शेप में होता है अभी तक तो उसको कॉन्सेप्ट नहीं होता उसके लिए सारी चीजें सेम होती है लेकिन जब हम उसमें डेवलप करेंगे ये सो इट कैन हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड ईजीली द कन्सेप्ट ऑफ जोमेट्री यानी इट कैन गिव हिम द कंसेप्ट ऑफ शेप्स एंड साइज सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्राइबल द किंडर गार्डन सिस्टम विच हैज़ बिन गिवन बाई फ्राइबल और ओवरऑल आपके सेलेबस के हिसाब से भी ये सारा है फ्राइबल के बारे में होप यू विल अंडरस्टैंड दिस इट कैन हेल्प यू फॉर यूर एग्जामिनेशन पर्पज सो अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली आई कैन आई एम रेडी टू क्लियर Uh, confusions or chaos. This is all about for today. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.